सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स किचन यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पे दबाइए यूनिक कुकिंग की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, आइए आज हम आपको ब्रेड का दही बड़ा बनाना बताते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। दही बड़ा तो वैसे आप लोगों ने उड़द के दाल का, मूंग के दाल का खाया होगा, लेकिन आज यहाँ हम ब्रेड का बनाएंगे, जो कि हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। देखिए, ये दो ब्रेड हमने लिया है, आप अपने परिवार के हिसाब से ले सकती हैं। इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से, इसका किनारा आप निकाल लीजिए ऐसे। और इसका जो दही बड़ा बनता है वो इतना हेल्दी होता है, स्वादिष्ट होता है। ये इसमें ना ही किसी तेल का इस्तेमाल है, ना ही घी का इस्तेमाल है, ना ही इसको डीप फ्राई किया गया है, और ये झटपट बनता है। अगर आपके यहाँ दो चार लोग आ जाते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से बनाकर अपने मेहमानों के आगे रख सकती हैं। घर में तो ब्रेड रहता ही है। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे बनता है। ये देखिए, ये ब्रेड हमने काट लिया है इसका किनारा, और ये इसका जो किनारे का हिस्सा है इसको आप यूज़ कर सकती हैं। चाहे आप पोहा बनाइए, या इसका ब्रेड क्रम्स बनाइए, या आप इसका हलवा भी बना सकती हैं। तो आइए सबसे पहले इस ब्रेड को हम दही में भिगाते हैं। ये दो टीस्पून दही है, आप दही अपने हिसाब से भिगा सकती हैं, ज़्यादा दही डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रेड गीला हो जाएगा। इसको इसमें सोक करना है, इस तरह से आप इसको सोक कर लीजिए और इसको अच्छे से मसल दीजिए। इस ब्रेड को आप इसमें अच्छे से मसल दीजिए और दो सेकंड के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए, इस तरह से ये ब्रेड हो जाएगा। इसका दही बड़ा आप बना कर रखिएगा नहीं, तुरंत बनाइए, तुरंत सर्व कीजिए इसको। देखिए, इसको हमने मसल लिया है दही में, अब इसको आप दो तीन मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए। आप लोगों को एक बात बतानी है, हमारे नए चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये तीन मिनट हो गया है, ये डो देखिए कितना बढ़िया इसका डो हुआ है। अब आइए इसमें हम कुछ सामान मिलाते हैं। ये हरी मिर्च है जो हमने महीन काटा है, ये अदरक है कद्दूकस किया हुआ, ये हरी धनिया की पत्ती है, इसमें थोड़ा हम काला नमक मिलाएंगे ब्रेड में, ये सूखी लाल मिर्च हम इसमें मिलाएंगे, ये भुना जीरा पाउडर हम इसमें मिलाएंगे। अब इसको हम अच्छे से मसल लेंगे, सारे सामानों को इसमें हम अच्छे से मिला देंगे। ये सारा सामान इसमें अच्छे से मिल गया है, अब इसका हम बड़ा बनाते हैं। आप थोड़ा हाथ में पानी लगा लीजिए, इस बड़े को आप बनाइए और तुरंत सर्व कीजिए, इसको रखने पे इसका टेस्ट बदल जाएगा। अब आइए इसको हम एक छोटे बॉल के आकार में इसका दो भाग हम करते हैं, इस तरह से इसको आप गोल गोल कर लीजिए, बीच में आप होल कर दीजिए इसके। अब इसके ऊपर आप थोड़ा काला नमक डाल दीजिए, सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए, ये जीरा पाउडर है डाल दीजिए, ये इस पे मीठी चटनी आप डाल दीजिए। इसके ऊपर आप दही डाल दीजिए थोड़ा सा, अब आइए इसकी गार्निशिंग हम कर देते हैं। ये मेरा ब्रेड का दही बड़ा बनकर तैयार है, इसको आप ठंडा करके भी सर्व कर सकती हैं या तुरंत भी कर सकती हैं, लेकिन इसको आप बनाकर तुरंत सर्व करेंगी तो ज़्यादा अच्छा है।
इसको रखना नहीं है, आप तुरंत बनाइए तुरंत खिलाइए। अगर मेरा मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट में पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे पूरी।